हमारा न्यू चैनल है और हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम आपको घर की नॉर्मल यूज की चीजों से ज्वेलरी बनाना बता रहे हैं, जैसे कि बॉटल्स या फिर ये कैरम की गोटियां हो गई। इनसे इनके जरिए हम आपको घर में बैठ के आराम से ज्वेलरी बनाना बता रहे हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज को खरीदे हुए। सबसे पहले हम जो ज्वेलरी बनाने लगे हैं उसके लिए हमें स्टिक्स चाहिए डिफरेंट कलर्स की, और ये कैरम की गोटियां चाहिए। और अब हम आपको बताते हैं, एक ग्लू गन चाहिए, और ग्लू गन को आप हॉट कर लीजिए, उसमें सिल्वर कलर की या रेड कलर की या ग्रीन कलर की, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो वाली स्टिक लगा दीजिए। अब हमने ये तीनों गोटियां ले ली हैं, इसके नीचे हम लोगों ने UHU ग्लू लगा दी है, क्योंकि जब हम हॉट ग्लू गन इसके ऊपर लगाते हैं तो वो हिलती है, जिसकी वजह से हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद हमने ग्लू गन में सिल्वर कलर की, ये देखें आप स्टिक देख रहे हैं, सिल्वर कलर की स्टिक लगाई है, हम ग्लू गन ऑन कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमने हॉट ग्लू गन से सिल्वर कलर की इस तरह गोटी के ऊपर डाला, उसको पूरा कवर कर लिया। फिर ये रेड कलर का हमने लिया था, इस तरह उसको पूरा कवर कर लिया, और ये वाला भी, ठीक है। अब ये देखिए, हमने वो जो ग्लू स्टिक से बनाई थी इसके ऊपर रख के ग्लू सारा डाला था और वो सूख गया, तो हमने उसको हार्ड शेप में कटिंग कर लिया। हार्ड शेप में कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर छेद किया और उसमें इस तरह का हुक डाला, और उसमें ये वाला कानों का कॉयल डाल दिया, इयरिंग कॉयल। तो अब ये देखें, पूरा एक बुंदा बन गया है। इसी तरह हमने ये दो बुंदे बनाए हैं इसके, और अगर आप चाहें तो आप इसमें छेद करके और हुक डाल के इसको एज ए नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये हमने ब्राइट कलर में बनाया है और ये इसको एज ए नेकलेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप छेद करें और इसके अंदर एक वैसे इसी तरह का एक हुक डालें और उसको चेन में ऐड कर लें। चाहें तो दो बना के बुंदा बना सकते हैं। देखिए, गुलाब का फूल बिल्कुल इसी टेक्निक से बनाया हुआ है। अब ये नंबर टू इयर रिंग्स के लिए हैं, हमें गत्ता चाहिए कोई सा भी पुराना, उसके साथ इस तरह की एक शीट चाहिए। आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, उस पर हार्ट बने हो सकते हैं, उस पर कोई बटरफ्लाई वगैरह बनी हो सकती है, या कोई फूल बना हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कलर कोई भी ले सकते हैं। फिर आपने अपनी पसंद के मुताबिक ट्राइंगल शेप में उसको गत्ते को काट लिया, या हार्ट शेप में, जो भी कलर, जो भी डिज़ाइन, जो भी शेप आपको अच्छी लगती है आप वो कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह इसकी बैक साइड पर रख कर, ये देखिए इस तरह से बैक साइड पर रखेंगे और इस तरह टर्न कर लेंगे। ऐसे टर्न करके इस प्लास्टिक को कटिंग कर देंगे ट्रायंगल शेप में। ये देखिए, जहाँ जहाँ तक ये आ रहा है गत्ता, इसको आप कटिंग कर देंगे। मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह कटिंग कर दिया आपने, अंदर गत्ता है। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे UHU लगाएंगे, और इधर से भी टर्न कर देंगे, इधर से भी टर्न कर देंगे इस तरह करके। ये देखिए, इसके यहाँ से ट्रायंगल शेप आ जाएगी। फिर जब आप यहाँ पर ग्लू लगा देंगे, तो फिर दूसरी साइड पर ग्लू लगाकर दूसरी साइड से टर्न करेंगे, तो ये वाला हिस्सा अंदर को मोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे करके मोड़ देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह लेके इसको टर्न कर देंगे, ये देखिए दोनों बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ हुए हैं, कहीं से कुछ ख़राब नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं पता लग रहा रैपर का या किसी चीज़ का। ये करके आपने इसके अंदर छेद करना है, छेद में इसी तरह हुक्स डाल देना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इस तरह हमने इसके अंदर जो हुक डाले थे उसमें हमने एयर कॉयल डाल दिया है, एयर रिंग की जो बैक होती है वो डाल दी है। ये देखिए, इस तरह आपके ट्रायंगल बुंदे तैयार हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट जो ज्वेलरी बनाना बता रही हूँ उसके लिए आपको, जैसे ये मेरी नथ थी और ये इसमें इसके नग वगैरह पड़े हुए थे मेरे पास बचे हुए फ्री, और मेरे पास एक कॉयल है, इसको मैं लूंगी, इसको टर्न कर लूंगी जितनी भी मुझे बाली की शेप चाहिए, जैसे कि ये गोटी होती है कैरम की, उसको रख के उसके गिर्द आप वायर को लपेट लेंगे। जब वायर के गिर्द लपेटेंगे तो आपके पास एक शेप आ जाएगी बाली की। ये देखें, इसके साथ साथ लपेटेंगे इस तरह करके, तो ये आपकी शेप आ जाएगी गोलाई में। ये देखिए, ये मैंने वो क्वाइल वो लेके वायर को उसको टर्न करके और उसके अंदर नग डाल दिए, तो ये देखिए ये बालियां तैयार। अब ये देखिए, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक की एक बॉटल थी कटिंग हुई, रफ पड़ी हुई थी, यूजलेस,
मैंने इसको लेके इसको कटिंग किया, एक इस शेप में कटिंग किया और एक ये इस शेप में नमक पारे की शेप में कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर होल देना है, ये देखिए जैसे मैंने इसमें होल दिया हुआ है, इस तरह का होल बनाना है और उसके अंदर लॉक डाल के, हुक डाल के उसके अंदर उसके ऊपर इस तरह ही वाला कान का बैग डाल दें, इयररिंग की बैग डाल दें। ये देखिए कॉर्क बंदा तैयार है। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे मैंने एक ये शेप दी हुई है और एक मैंने ये वाली शेप दी हुई है, इस तरह की शेप दी हुई है, तो इसमें आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप जो सी भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा मैंने इसमें एक ये डाला हुआ है क्या रहा, मैं इसकी स्लेट एक डाली हुई है, आप इसमें दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपको बेटर लगे। या इसके आगे अगर आपके पास सिल्वर कलर का कोई है या व्हाइट कलर का है तो ब्लैक के ऊपर आप व्हाइट कलर का भी डाल सकते हैं। इसी तरह का पर बना हुआ हो लेकिन वो थोड़ा छोटा हो तो वो भी एक नया डिजाइन बन जाएगा। अच्छा अब देखिए ये एक और है, जैसे ये मेरे पास थे, मेरे झुमकों के थे सहारे, आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत से सहारे पड़े होते होंगे जो फ्री है या यूजलेस हो गए हैं, बुंदा खराब हो गया उसका, तो मैंने उसको लेके, ये देखिए इसमें सहारों के लिए पिन की जगह होती है, उसको लेके इस तरह टर्न किया। और वैसे ही आजकल ये मोतियों वाली ज्वेलरी बहुत ज्यादा इन है, तो आप उसको लेके इस तरह टर्न करके इस तरह इयररिंग के बैक में डाल दीजिए। ये देखिए ये मैं दूसरा भी करके दिखा देती हूँ, मुझे उम्मीद है इन आइडिया से आप लोगों को बहुत से ऐसे आइडिया मिलेंगे, जैसे आपके पास ज्वेलरी खराब पड़ी हुई होती है, यूजलेस होती है, या अभी बहुत से और आइडियाज भी हैं कि जैसे बीड्स वगैरह आपके होते हैं पुराने, आप उसको नेकलेस में बुंदों में यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों बुंदे तैयार हैं। जैसे बॉटल्स में हमारे पास ग्रीन कलर की बॉटल्स होती हैं, छोटी ही बड़ी हर तरह की, तो इस तरह मेरे पास ये कटिंग वाली बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने वो बॉटल ली, उसके ऊपर कोई भी शेप बना ले जो आपको अच्छी लगती है, पर टाइप की बना लें या कोई सी भी बना लें। मैंने इस तरह पर का इस तरह डबल करके इसको पर की शेप में कटिंग की है। ये देखिए ये पर की तरह मैंने इसको कटिंग किया है, एक दो तीन, और उसको कटिंग करने के बाद मैंने इस तरह टर्न किया है, टर्न करने के बाद तीनों को आपस में जोड़ दिया ऊपर हुक से, देखिए ठीक है। इसको जोड़ने के बाद इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से कोई भी पुराने बुंदे का टूटा हुआ आपके पास बैक पड़ी हुई हो या फ्रंट पड़ा हुआ हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह ऐड कर दिया। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इसी कलर में यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें इस तरह के कलर्स में, रेड ब्लू ग्रीन जो भी आपके पास कलर है बॉटल का, अगर आपको यूँ ही अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इसमें साइडों पर फिनिशिंग नहीं है तो आप इसको आयरन लेके, अगर आपने यूँ ही यूज़ करना है तो आप आयरन लेके इसके कॉर्नर्स पे फेरेंगे तो ये फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं तो आप इसके कॉर्नर्स पे मोती लगा सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे से मोती इसके साथ ऐड कर दें ग्लू से, दूसरा नहीं तो UHU से कर सकते हैं। अब मैं इधर इसके ऊपर कलर करूँगी गोल्डन कलर का। अब ये देखिए ये वही बुंदा था जो हमने बनाया था, और क्या नाम है, ग्रीन कलर का था तो हमने इसके ऊपर पेंट कर दिया। ये देखिए ये सिल्वर कलर में आ गया, ये देखिए आपको शायद ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा हो, गोल्डन कलर का हो गया, गोल्डन कलर कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको सिल्वर करना चाहें, गोल्डन करना चाहें, जो कलर आपको अच्छा लगता है आप स्प्रे कर दें। इसी तरह ये मैंने उसी बॉटल से, ग्रीन कलर की बॉटल से ही ये शेप कटिंग की थी। अब इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो सिर्फ एक के अंदर हुक डाल के इसका बुंदा बना सकते हैं, मैं ये भी करके अभी दिखा देती हूँ आपको। वैसे मैंने ये तीन लेयर्स ली थी, एक ये ली थी, एक ये ली थी और एक इसके अंदर ये वाली ली है, ये भी कलर्ड नहीं है, ये देखिए है सेमी कलर हुई है, इस पर कलर होना है अभी सही से, तो मैंने ये तीनों लेके इसके अंदर सुराख करेंगे ऊपर की साइड पे, उसमें हुक डालेंगे और उसमें हुक डाल के उसको इस तरह जोड़ देंगे। ये देखिए इस शेप में आ जाएगा, ये देखिए तीन लेयर्स का है, लेयर्स पता लग रही है ठीक
आपके ये तीन लेयर्स में आ गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसमें कोई एक लेयर डाल के भी एक बुंदा सिर्फ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें जो मैं कही थी कि एक आप अलग भी बना सकते हैं, तो ये वो है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके नेल्स भी पेंट हो जाएंगे, आपको नेल कलर भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अब आपको ये सारी आपने ज्वेलरी देखी, आपको ये ज्वेलरी पसंद आती है, तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाजमी लाजमी कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और अगर आपको अच्छी लगती है ज्वेलरी तो लाजमी बताएं। अब ये देखिए ये तमाम वो ज्वेलरी है जो हम लोगों ने आज की वीडियो में सिखाई है, और इस तरह के ब्लैक कॉर्ड शेप के भी थे, तो ये तमाम वो ज्वेलरी है। आप प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी बेल आइकन दबाएं।